आज हम पढ़ेंगे फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको सब समझाया है व्हाट इज सिंगलेट स्टेट एंड व्हाट इज ट्रिपलेट स्टेट। हम इसमें खाली देखेंगे कि सिंगलेट स्टेट में क्या होता है और ट्रिपलेट स्टेट में क्या होता है। ठीक है, तो जैसे अभी कोई सिंगलेट स्टेट में मतलब जो है अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये अभी ग्राउंड स्टेट में है। जब हम इनको क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देंगे या फिर कोई भी अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, कोई भी इलेक्ट्रोनिक मैग्नेटिक वेव्स देंगे तो क्या होगा, ये अपना एक्साइटेशन दिखाएंगे क्योंकि ये हम ये वेव को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद ये हम मतलब जैसे अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो हम कहीं और मतलब अदर स्टेट में चले जाने लगेंगे, तो वैसे इसके पास ज़्यादा एनर्जी हो जाती है तो ये अदर स्टेट में चले जाता है। सिंगलेट स्टेट में ऐसा होता है कि इसका स्पिन चेंज नहीं होता है, जैसा है वैसा ही ऊपर चले जाता है। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, इसका जो है स्पिन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, स्पिन चेंज नहीं हुआ। अब स्पिन चेंज नहीं हुआ, ऐसे था, ऐसे ही जैसे नीचे ऐसे था तो ऐसे ऊपर चला गया। ठीक है, तो इसने एनर्जी क्या करी होगी, एब्जॉर्ब की होगी। एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी तो इसके पास अभी बहुत एनर्जी है, इसने घूमने में उसको वेस्ट नहीं किया है। ठीक है, एनर्जी को इमिट नहीं किया है घुमाने में, जैसी थी वैसी गई। तो इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है, 10^-9 सेकेंड तक ये यहाँ पर रहता है क्योंकि इसके पास बहुत एनर्जी है। ये क्या करता है, इमिट करने की कोशिश करता है और नीचे आ जाता है। ठीक है, अगर हीट के रूप में आता है तो नॉन रेडिएटिव होती है, जो मतलब हीट इज अ नॉट रेडिएशन। एंड अगर रेडिएशन के रूप में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम फ्लोरिसेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर वो हीट के रूप में आता, सॉरी, अगर वो मतलब लाइट के रूप में आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोरोसेंट। इसको क्या बोलेंगे हम, फ्लोरोसेंस बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अपनी लोअर एनर्जी, जैसे हम ये हमने बहुत खाना खाया, ठीक है, तो हम एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो हम बहुत कूदेंगे, इधर उधर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसने अपनी स्पिन चेंज नहीं की, स्पिन चेंज नहीं की तो इसकी एनर्जी क्या है, लॉस नहीं हुई है। अब ट्रिपलेट स्टेट क्या होता है, इसकी एनर्जी लो होती है बिकॉज ये अगर यहाँ नीचे आता है, नीचे आता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू, ISC बोलते हैं जिसे, उसके थ्रू यहाँ पे नीचे आता है तो इसकी स्पिन जो होती है वो होती है चेंज हो जाती है। ठीक है, स्पिन क्या हो जाती है, ऐसे थी ऐसे हो गई, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको घूमने में, जैसे हम कुछ काम करते हो हमें एनर्जी लगती है, तो इसको घूमने में कहीं ना कहीं एनर्जी लगी है, तो एनर्जी इसकी थोड़ा लग गई, इमिट होगी तो अब एनर्जी वेस्ट होगी इसकी घुमाने में, तो अब ये स्टेबल हो गया क्योंकि इसके पास एनर्जी कम है। एनर्जी जैसे हम ये हमारे पास एनर्जी कम होगी तो हम इधर उधर नहीं जा पाएंगे, ठीक है, एक ही जगह में रहेंगे, स्टेबल चीज़ वही होती है। तो यहाँ पे इसके पास एनर्जी कम है तो 10^-3 सेकेंड रहता है, यहाँ बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि माइनस है, -9 बहुत छोटा होता है -3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, थोड़ा देर यहाँ पे रहेगा और फिर क्या होगा, एक मतलब एनर्जी हमने मतलब जो ग्राउंड स्टेट है वहाँ पे तो आएगा ही आएगा एक बार, तो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम फॉस्फोरिसेंस, क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोरिसेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ट्रिपलेट होता है इसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, स्टेबल होता है। जैसे यहाँ पे जैसे ये है 1, 2, 3, ये क्या है, सिंगलेट स्टेट है ना, ये सिंगलेट स्टेट है। अगर हम इसकी स्पिन निकालेंगे 2s+1, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा तो यहाँ पे इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि +1 -1 0 हो जाएगा तो 2 0 0 0। तो ये सिंगलेट स्टेट होती है जो अनस्टेबल होती है, हम पता है हुंड रूल क्या बोलता है, स्टेबल कब होगी, जब तीनों के तीनों भरेंगे। ठीक है, तो ये स्टेबल होती है ये वाली। ठीक है, इसका स्पिन क्या हुआ है, चेंज हुआ है, यहाँ पे आ गया और चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है, ये थोड़ा देर रहता है और अपनी लाइट इमिट कर देता है, इसलिए जो फ्लोरोसेंस होता है वो खाली जब तक लाइट पड़ती है उस पर तभी तक ग्लो करता है, उसके डायरेक्ट बाद अपने आप बंद हो जाता है ग्लो करना। जबकि ये थोड़ा देर वहाँ पे रहता है, स्टेबल है, थोड़ा देर हमने जो
ट्रिपलेट स्टेट पे रहता है, जिसकी वजह से जब ये नीचे आता है तो लाइट इमिट करता है, थोड़ा लाइट हटा देने के बाद भी थोड़ा देर तक ये जलता है। ऐसे कोई बहुत सारे बल्ब देखे होंगे, सोडियम बल्ब्स होते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ये अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसने अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं की है। जब अब हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी, हम कहीं ना कहीं खेलने कूदने की इधर उधर जाने की कोशिश करेंगे, अब हमारी एनर्जी नहीं है, हम बहुत मतलब लूज फील करेंगे और एक ही जगह पर रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी के कारण यहाँ पे फॉस्फोरेसेंस होता है, और ये बहुत देर तक ग्लो करता है, और जबकि ये तभी तक करेगा जब तक उस पर लाइट पड़ेगी, इंसिडेंट होगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, इसमें ग्लो ऑफ फ्लोरोसेंस स्टॉप्स राइट आफ्टर द सोर्स ऑफ एक्साइटेशन रेडिएशन इज स्विच्ड अप। अगर हम फ्लोरोसेंस में थोड़ा देर बाद अगर हम स्विच ऑफ कर देंगे उसमें उसको, फ्लोरोसेंस में क्या होता है, जब हम उसको स्विच ऑफ कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो एक्साइटेशन एनर्जी से वापस आ जाता है और उसके बाद वो ग्लो नहीं करता है। जबकि फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है, वो उसके बाद भी ग्लो करता है। ऐसा क्यों होता है मैंने समझाया था अभी, ये आप लिख लेना। एंड एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई डज फॉस्फोरेसेंस लास्ट लॉन्गर देन फ्लोरोसेंस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि द रीज़न फॉस्फोरेसेंस लास्ट लॉन्गर देन फ्लोरोसेंस इज बिकॉज द एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन्स जम्प टू हाई एनर्जी लेवल देन फॉर फ्लोरोसेंस द स्पिन फ्लिप। और जबकि फॉस्फोरेसेंस में क्या हो जाता है, जो स्पिन होता है वो फ्लिप हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वो क्या होता है, वहाँ पर स्टेबल रहता है, ठीक है। तो ये उतार लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।